सैमसंग गैलेक्सी S21 अल्ट्रा एक नए रूप एक नए स्टाइल के साथ इंडिया में पेश हो चुका है, पर क्या फोन की परफॉर्मेंस में भी कुछ चेंज आया है? आइए इस वीडियो में इस फोन के बारे में सब कुछ जानते हैं और वो भी सारे सबूत के साथ। अब हमेशा की तरह सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं फोन के डिजाइन से। एक नए रूप में कंपनी ने सैमसंग गैलेक्सी S21 अल्ट्रा को पेश किया है। आप देख सकते हैं कैमरा मॉड्यूल जो है वो ऐसे बॉडी के साथ सटा हुआ है और इधर आके सिर्फ आपको कटआउट मिलता है, जिसकी वजह से काफ़ी यूनिक डिज़ाइन आपको देखने में मिल जाता है। हालांकि कैमरा बम्प अभी भी है, थोड़ा बाहर की तरफ निकला है, लेकिन अगर आप कंपेयर करेंगे S20 अल्ट्रा से तो ये काफ़ी कम है। इस पर आप कवर लगा देंगे तो ये बाहर की तरफ उठा हुआ आपको दिखेगा नहीं। साथ साथ यहाँ पर आपको बता दूँ कि बैक पैनल आप देख सकते हैं कि ऐसे लग रहा है कि मेटल का है, लेकिन ये मैट फिनिश वाला ग्लास है। गोरिल्ला ग्लास की प्रोटेक्शन आपको बैक पैनल पर मिल जाती है, वहीं इसका जो फ्रेम है वो मेटल का है। ओवरऑल काफ़ी गुड लुक्स के साथ स्टर्डी फोन कंपनी ने पेश किया है। IP68 की रेटिंग इसमें आपको मिल जाती है, तो अगर पानी में गिर जाए या आप बाय चांस पानी में डाल के वीडियो शूट करना चाह रहे हैं तो वो पॉसिबल है। हालांकि आपको बता दूं कि कोशिश कीजिएगा कि स्विमिंग पूल में आप इसको न डालें, क्योंकि उसमें आप जानते हैं कि बहुत सारे केमिकल्स होते हैं, उस वजह से शायद फोन में कुछ खराबी आ सकती है। बट अदरवाइज IP68 रेटिंग की वजह से आपको डस्ट और वाटर रेसिस्टेंट फीचर इसमें मिल जाता है। साथ साथ आपको बता दूं कि सब कुछ अच्छा है, लेकिन एक चीज़ जो मुझे थोड़ी अजीब लगी वो ये कि काफ़ी हैवी वेट है स्मार्टफोन। 5000 mAh की बैटरी जरूर मिलती है, लेकिन हाथ में पकड़ने पर काफ़ी भारी ज़रूर लगता है ये। अब हम बात करते हैं इस फोन के डिस्प्ले की। तो आपको पता है कि सैमसंग डिस्प्ले हमेशा ही काफ़ी शानदार रहते हैं, चाहे वो हाई रेंज का स्मार्टफोन हो या फिर लो रेंज का, और ये तो काफ़ी एक्सपेंसिव स्मार्टफोन है। इसका डिस्प्ले आपको डेफिनेटली ज़रूर पसंद आएगा। इसमें आपको मिलता है 6.8 इंच का क्वाड HD+ रेजोल्यूशन डिस्प्ले, जिसमें आप देख सकते हैं कि सेंटर में पंच होल दिया है और वो काफ़ी छोटा सा है, आपके वीडियो व्यूइंग एक्सपीरियंस से गेमिंग एक्सपीरियंस में बिल्कुल भी बाधा नहीं डालेगा। इसके साथ साथ इसमें आपको 120Hz स्क्रीन रिफ्रेश रेट मिल जाता है। अब यहाँ पे कंपनी ने अच्छी बात एक की है कि अब आप क्वाड HD रेजोल्यूशन के साथ 120Hz स्क्रीन रिफ्रेश रेट को इस्तेमाल में ला सकते हैं, यानी आपको पिक्सल्स कम नहीं करने पड़ेंगे और अपने गेमिंग एक्सपीरियंस को भी अच्छे से एंजॉय कर पाएंगे। व्यू एक्सपीरियंस हो या फिर आप इसमें वीडियोस देख रहे हो, बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस आपको इस फोन में मिलने वाला है। इसमें 1500 निट्स की ब्राइटनेस दी है, तो तेज धूप में अगर आप इसे इस्तेमाल करेंगे तो आपको परेशानी नहीं होगी। HDR10+ का सपोर्ट मिलता है, साथ ही साथ गोरिल्ला ग्लास विक्टस की प्रोटेक्शन इस पर आपको मिल जाती है, और साइड से ये थोड़ा बहुत कर्व्ड है, 2.5D कर्व्ड है ये डिस्प्ले। अब इतनी सारी अच्छाइयाँ हैं, कमियाँ क्या हैं? फिलहाल डिस्प्ले में कमी तो नहीं, लेकिन एक अच्छाई और है कि ये सैमसंग गैलेक्सी एस सीरीज का पहला स्मार्टफोन है जिसमें आपको स्टाइलस यूज़ करने का मौका मिलेगा। जी हाँ, अलग से आपको स्टाइलस खरीदना पड़ेगा और आप इसमें इस्तेमाल में ला सकते हैं। आप देख सकते हैं कि मैं नोट 20 अल्ट्रा का स्टाइलस इस्तेमाल कर रहा हूँ और काफ़ी स्मूथ तरीके से मैं इसमें इस्तेमाल कर पा रहा हूँ। अब सैमसंग गैलेक्सी S21 अल्ट्रा का डिस्प्ले काफ़ी शानदार है, ये बात तो आपको समझ आ गई, लेकिन इस पर सोने का स्वागत काम करता है इसका डुअल स्पीकर। ऊपर एक स्पीकर मिल जाएगा और एक स्पीकर नीचे दिया है। ऊपर जो डिस्प्ले पे स्पीकर दिया है वो इतना स्लीक है कि आपको पता भी नहीं चलेगा, और वही आपके ईयरपीस का भी काम करता है। जब आप वीडियोस देखेंगे तो आपको एक अलग ही एहसास होगा। तो चलिए एक बार ऑडियो क्वालिटी का डेमो कर लेते हैं। अब इतना शानदार दिखने वाला स्मार्टफोन इतने बेहतरीन डिस्प्ले के साथ आता है तो परफॉर्मेंस कैसी होगी, ये सवाल आपके मन में जरूर चल रहा होगा। तो इसलिए मैं आपको इसकी परफॉर्मेंस के बारे में बता देता हूँ। हालांकि कंपनी ने दो मॉडल्स पेश किए हैं, एक क्वालकॉम बेस्ड है, क्वालकॉम 888 चिपसेट मिलता है, और दूसरा एक्सिनॉस 2100 बेस्ड है। आपको पता है कि इंडिया में हमेशा कंपनी एक्सिनॉस मॉडल लेके आती है, और इंडिया में आज भी S21 अल्ट्रा जो है वो एक्सिनॉस 2100 चिपसेट के साथ पेश किया गया है। हमारे पास जो वेरिएंट आया है उसमें 12GB रैम से 256GB की इंटरनल स्टोरेज दी गई है। एक कमी ये है कि इसमें आप मेमोरी को नहीं एक्सपैंड कर सकते, यहाँ पे हो सकता है कि आपको थोड़ी कमी खले इन टर्म्स ऑफ एक्सपेंशन। 256GB कम भी पड़ सकती है, क्योंकि कैमरा जब आप इसमें फोटो क्लिक करते हैं तो काफ़ी बड़े साइज़ की फोटोज़ बनाता है, तो उस टाइम आपको थोड़ी सी इसमें दिक्कत हो सकती है। पर अदरवाइज परफॉर्मेंस की हम बात करेंगे तो यहाँ पे कोई भी दिक्कत इस फोन में नहीं होगी आपको। एक्सिनॉस 2100 चिपसेट जो है वो काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस मुहैया कराता है। गेमिंग के टाइम तो आपको बहुत ही एक अलग एक्सपीरियंस इसमें होने वाला है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि क्या क्या हमने इसमें टेस्ट किए।
S21 अल्ट्रा में हमने अपने काफ़ी प्रकार के टेस्टिंग करी, जैसे कि हमने इसमें एंटीटू स्कोर का टेस्ट किया, जिसमें आप देख सकते हैं कि स्कोर काफ़ी अच्छा है, 6,46,482 इसमें स्कोर आपको दिख जाएगा। परफॉर्मेंस वाइज मैंने आपको कहा था कि कोई भी इसमें आपको इशू देखने को नहीं मिलेगा। वहीं अगर हम बात करें यहाँ पे गेमिंग एक्सपीरियंस की, तो हमारा जो स्टैंडर्ड टेस्ट है, हम आधे घंटे गेमिंग करते हैं और जो ग्राफिक्स हैं उसको हाई पर रख के ही खेलते हैं, और आधे घंटे गेमिंग में हमारे पास आप देख सकते हैं कि कुछ ऐसा स्कोर रहा कि 100% बैटरी थी और आधे घंटे गेमिंग में इसमें 8% का बैटरी ड्रॉप देखने को मिला। जबकि बैटरी टेम्परेचर की बात करें तो 23.4 डिग्री सेल्सियस से हमने शुरुआत की थी और इसका टेम्परेचर जो राइज हुआ वो 28.9 डिग्री तक गया, यानी आप देख सकते हैं कि सिर्फ 5 डिग्री का टेम्परेचर राइज हुआ है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। इसका 5 नैनोमीटर फैब्रिकेशन वाला जो प्रोसेसर है वो हीटिंग को काफ़ी कंट्रोल रखता है और ये आप यहाँ पे देख ही सकते हैं। वहीं आपको बता दूं कि मल्टीटास्किंग में भी ये फ़ोन आपको कभी निराश नहीं करेगा, आप इसमें कई प्रकार के मल्टीटास्किंग कर पाएंगे, 12 GB की रैम कभी भी आपको परेशान नहीं होने देगी। आगे बढ़ते हुए अगर हम बैटरी की बात करें तो 5000 mAh की बैटरी इस फोन में आपको मिल जाती है, जिस पर 25 W की चार्जिंग स्पीड का सपोर्ट है। यहाँ पे एक कमी हमें लगी कि जो बॉक्स देख रहे हैं आप, ये स्लीक क्यों है? ये स्लीक इसलिए क्योंकि चार्जर इसके साथ नहीं आता, एप्पल की तरह इसने भी सिर्फ केबल ही मुहैया करवाई है। इनफैक्ट शाओमी भी वैसे ही करने लगा, हालांकि शाओमी का बोला फ़ोन अभी इंडिया में आया नहीं, पर अब आप देख सकते हैं कि जो फ्लैगशिप फ़ोन्स हैं वो चार्जर रिमूव कर रहे हैं। अगर आपके घर में 25 W का सैमसंग का चार्जर है तो उससे आप चार्ज कर पाएंगे, वरना आपको इसके लिए अलग से चार्जर खरीदना पड़ेगा। अगर हम बैटरी की बात करें तो बैटरी बैकअप आपको ज़रूर पसंद आएगा। हमारे पीसी मार्क टेस्ट पे ये 10 घंटा 37 मिनट तक सर्वाइव कर पाया। यहाँ पे आप कहेंगे कि बैटरी काफ़ी कम है, 5000 होने के बावजूद भी 10 घंटा ही सर्वाइव कर पाई, तो आपको बता दूं कि हमने इसे 120Hz स्क्रीन रिफ्रेश रेट पे किया था। अगर हम इसे 60Hz पे करते हैं तो फॉर श्योर 15-16 घंटे का हमको यहाँ पे जो है पीसी मार्क का टेस्ट मिलता। इसके अलावा आप देख चुके हैं कि गेमिंग के टाइम इसमें 8% का बैटरी ड्रॉप देखने को मिला है, वो भी हमने 120Hz स्क्रीन रिफ्रेश रेट पे किया था। वहीं चार्जिंग टेस्ट की बात करें तो हमने सैमसंग के ही 25 W के चार्जर से इसे चार्ज किया था और हमारे चार्जिंग टेस्ट में ये 1 घंटा 10 मिनट में फुल चार्ज हो गया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 5000 mAh बैटरी होने के बावजूद भी चार्जिंग स्पीड में कोई आपको परेशानी नहीं होगी। इस साथ साथ आपको बता दूं कि इसमें आपको 15 W की वायरलेस चार्जिंग का सपोर्ट मिलता है और ये 4.5 W की रिवर्स वायरलेस चार्जिंग भी मुहैया करवाता है। अब बारी आती है इसके मेन एस्पेक्ट पर नजर डालने की, यानी कैमरा की। जी हाँ, इतना बढ़िया कैमरा मॉड्यूल दिया है लेकिन कैमरा कैसा है वो जानना भी जरूरी है। तो आपको बता दूं कि इसमें 108 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर मिल जाता है विद f1.8 अपर्चर। इसमें PDAF, लेजर ऑटो फोकस और OIS टेक्नोलॉजी मिल जाती है। वहीं दूसरा सेंसर 10 मेगापिक्सल का जो कि पेरिस्कोप टेलीफोटो लेंस है, जिसमें आपको OIS मिल जाता है और 10x ऑप्टिकल जूम का ऑप्शन दिया गया है। साथ साथ तीसरा सेंसर भी 10 मेगापिक्सल का है लेकिन इसमें आपको 3x ऑप्टिकल जूम मिलता है। तो यहां आप देख सकते हैं कि 2 टेलीफोटो लेंस दिए गए हैं और दोनों में PDAF और OIS टेक्नोलॉजी मिल जाती है। वहीं चौथा सेंसर 12 मेगापिक्सल का है जो कि अल्ट्रा वाइड एंगल फोटोज क्लिक करता है और सुपर स्टेडी वीडियो का ऑप्शन इसमें आपको मिल जाता है। अब यहाँ पे आपको बता दूं कि 108 मेगापिक्सल जो कैमरा है ये बेहद ही शानदार है। आपको ये फोन फोटोग्राफी के पर्पज से बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाला है। आप खुद देख सकते हैं कि इतनी वाइब्रेंट और ब्राइट फोटोज क्लिक करता है। HDR ऑफ करके भी अगर आप फोटो क्लिक कर रहे हैं तो भी ऐसा लगेगा कि HDR इफेक्ट इसमें दिया गया है। आप साइड बाय साइड फोटोज देख सकते हैं, HDR ऑन हो या ऑफ हो आपको यहाँ पे कोई निराशा नहीं मिलेगी। इसके साथ साथ इसका वाइड एंगल लेंस जो है वो तो कुछ कमाल ही कर देता है। अब आप देख सकते हैं कि पहले के मुकाबले जो एजेस पे डिस्टॉर्शन होती थी वो थोड़ी सी कम है और काफ़ी वाइड एरिया इसका 12 मेगापिक्सल का कैमरा शूट कर पाता है। इसके साथ साथ आपको बता दूं कि जो इसके टेलीफोटो लेंस हैं वो एकदम कमाल के हैं। 3x जूम देख लो, 10x जूम देख लो, आपको कहीं पर भी फोटो में कमी नहीं लगेगी, कहीं पर भी आपको पिक्सलेशन नहीं दिखेगी। ऑप्टिकल जूम है तो पिक्सलेशन कैसे ही दिखेगी। इसके अलावा हम पोर्ट्रेट शॉट देखें, आप खुद देख सकते हैं कलर्स कितने नेचुरल आए हैं, कटआउट कितना बेहतरीन हुआ है, कहीं पर भी ऐसा नहीं लगता कि फोटो आपको निराश कर रही है। अब इसका मेन फीचर है इसका 100x जूम, और इस 100x जूम से मैंने चांद की भी कुछ फोटोज़ क्लिक की हैं और वो आप देख सकते हैं। हालांकि यहाँ पे आप बता दूँ कि बहुत क्लियर फोटो नहीं क्लिक कर पाएंगे, 100x ऑप्टिकल नहीं है, डिजिटल जूम है, तो बहुत क्लियर फोटोज़ तो नहीं आएंगी, लेकिन फिर भी ये अपना काम ज़रूर करता है। हालांकि चांद की फोटो आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छी है, पर इसके अलावा मैंने कुछ और फोटो भी ली, जैसे कि इस टैंकी की फोटो ली तो यहाँ पे आप देख सकते हैं टेक्स्ट दिख रहा है, लेकिन जब इस मैंने जनरेटर की फोटो ली जो छत पे रखा है तो यहाँ पे टेक्स्ट नहीं दिखाई दे रहा। तो 100x जूम जो है वो हमेशा काम नहीं आएगा। अगर आप किसी मॉन्यूमेंट की फोटो लेना चाह रहे हैं, अगर किसी पहाड़ की फोटो लेना चाह रहे हैं तब थोड़ा सा आपके लिए अच्छा साबित होगा, लेकिन अगर आप किसी टेक्स्ट की फोटो लेना चाहेंगे तो आपको बहुत सक्सेसफुल नहीं लगेगा।
वहीं लो लाइट फोटोग्राफी की बात करेंगे तो अब ये कैमरा काफ़ी इंप्रूव हो गया है। लो लाइट में भी ये कैमरा बिना नाइट मोड के बहुत ही शानदार फोटो क्लिक करता है। जूम करने पर भी आप देख सकते हैं कि डिटेलिंग की कमी आपको कहीं पर भी नहीं लगेगी, और जब आप इसका नाइट मोड ऑन कर देंगे तो डिटेलिंग और भी बढ़ जाती है और लाइट भी काफ़ी अच्छी हो जाती है। हालांकि नाइट मोड को हमेशा ऑन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके साथ साथ आपको बता दूं कि इस फोन में आपको 8K वीडियो रिकॉर्डिंग का ऑप्शन भी मिल जाता है, और क्वालिटी में आप जमीन आसमान का अंतर देख सकते हैं। आप खुद देख सकते हैं कि 8K वीडियो रिकॉर्डिंग में कलर्स कितने ज़्यादा आपको खिले हुए दिखाई दे रहे हैं। पर जब बात सेल्फी की आएगी तो यहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा इंप्रेस नहीं हुआ इसके सेल्फी कैमरा से, क्योंकि इसका सेल्फी कैमरा इसके 40 मेगापिक्सल को जस्टिफाई नहीं करता। डिटेलिंग भी थोड़ी आपको ऐसे कुछ बहुत ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगी, साथ साथ कलर्स भी आप देखेंगे तो ओवरली सैचुरेटेड किए गए हैं। और अगर लो लाइट फोटोग्राफी देखेंगे तो इसको देख के आपके मुँह से वाह तो नहीं निकलेगा। हालांकि आप सेटिस्फाई ज़रूर हो जाएंगे, लेकिन बहुत अच्छा हम इसे सेल्फी के मामले में नहीं कह सकते। बात की जाए सॉफ्टवेयर की तो इस फोन में आपको मिलता है एंड्रॉइड 11 विद वन यूआई 3.1 ऑन टॉप ऑफ इट। इसका यूआई अपीयरेंस, एनिमेशन और सेटिंग्स सब कुछ सेम है, पर पहले के मुकाबले आपको थोड़ा सा स्मूथ यूजर एक्सपीरियंस मिल जाता है, जिस वजह से आपको फोन चलाने में और भी आसानी होगी। वहीं आपको बता दूं कि यूआई के थोड़े बहुत चेंजेस आपको कैमरा ऐप में भी देखने को मिल जाते हैं। पहले के मुकाबले आप देख सकते हैं कैमरा ऐप काफ़ी इजी हो गई है, सब कुछ आपके सामने है, और मोर पे अगर आप जाएंगे तो आपको सारे फीचर्स दिखाई दे जाएंगे, आपको पूरा ऐसे नीचे की तरफ स्क्रॉल नहीं करना पड़ेगा। इसके साथ साथ आपको इसमें फेस अनलॉक मोड का ऑप्शन मिल जाता है, जो कि काफ़ी एक्यूरेट है, पहले के मुकाबले और भी इंप्रूव हो चुका है। आपको सिर्फ बटन दबाने की देर है और ये आपके चेहरे को डिटेक्ट कर लेगा। लाइटिंग कंडीशन थोड़ी सी जब कम होगी तब थोड़ी सी परेशानी होती है, लेकिन अदरवाइज फेस अनलॉक मोड में कोई परेशानी नहीं है। पर फिर भी अगर आपको फेस अनलॉक मोड नहीं पसंद आता तो आप इसका फिंगरप्रिंट सेंसर यूज़ कर सकते हैं। जी हाँ, इसमें आपको मिलता है अल्ट्रासोनिक इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर, जो कि काफ़ी एक्यूरेट है। आपको सिर्फ अपना थंब रखना ही है और ये फ़ोन अनलॉक कर देगा। कनेक्टिविटी की बात की जाए तो फोन में आपको मिलता है डुअल 5G सपोर्ट, वाईफाई 6 दिया गया है, NFC है, सैमसंग पे का फुल सपोर्ट मिलता है, सैमसंग डेक्स और वायरलेस डेक्स का ऑप्शन भी आपको इसमें मिल जाता है। हालांकि यहाँ पे आपको बता दूँ कि इसमें आपको दो चीज़ें नहीं मिलेंगी, एक FM रेडियो और दूसरा 3.5 ऑडियो जैक। अब अंत बारी आती है इस फोन को लेकर वर्डिक्ट देने की, तो आपको बता दूँ कि 1,05,999 की शुरुआती कीमत पर इसे लॉन्च किया गया है। हालांकि कुछ छोटी मोटी कमियां ज़रूर है, लेकिन फ़ोन अपने प्राइस रेंज के हिसाब से वर्थ इट है। एक नए रूप में, एक नए स्टाइल के साथ कंपनी ने इसे पेश किया है। डिस्प्ले बहुत शानदार है, डिज़ाइन देखने में काफ़ी इंप्रेसिव है, रियर कैमरा को तो जवाब नहीं, 100x जूम आपको ज़रूर पसंद आएगा। मैंने आपको बताया कि अगर आप किसी मॉन्यूमेंट की फोटो ले रहे हैं तो डेफिनेटली 100x जूम आपके काफ़ी काम आने वाला है। इसके साथ साथ इसकी परफॉर्मेंस से भी आपको कोई निराशा नहीं होगी। एक दो कमी ज़रूर है, जैसे कि बैटरी थोड़ी सी और इंप्रूव होनी चाहिए थी। मैं चाह रहा था कि डिस्प्ले कर्व्ड होता तो थोड़ा सा और बेटर होता। और एक चीज जो मैं भूल गया, वो ये कि स्टाइलस का सपोर्ट भी इसमें आपको मिल जाता है। तो आप देख सकते हैं कि ओवरऑल एक कंप्लीट पैकेज है। छोटी मोटी कमियां जरूर है, लेकिन अपने प्राइस रेंज को पूरी तरह से जस्टिफाई करता है। जब आप इस फोन को हाथ पकड़ेंगे तो प्राइस को अगर हटा भी देंगे, आंखें बंद करके जब इसको हाथ पकड़ेंगे तो आप खुद कहेंगे कि एक प्रीमियम क्वालिटी का स्मार्टफोन पकड़ा है। और जब लोग देखेंगे तो आपसे जरूर पूछेंगे कि भाई कौन सा फोन है। इसलिए अगर आपका बजट लगभग 1,00,000 रुपए है तो आप इसे खरीद सकते हैं। पर एनीवे, कैसा लगा आपको वीडियो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं, और हमेशा की तरह वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अंटिल देन, दिस इज केशव खेरा साइनिंग ऑफ।